हाय दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी BYD ने भारत में अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार BYD एटो को एटो 3 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की यह इलेक्ट्रिक SUV फुल चार्ज में 521 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। हालांकि इसके अभी तक कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बुकिंग शुरू कर दी है। 50,000 रुपये से आप इसे बुक कर सकते हो। इसका कड़ा मुकाबला MG EV, Hyundai Kona EV जैसे कारों से होगा। इसमें आगे की तरफ LED हेडलैम्प्स के साथ में कनेक्टिंग LED बार दी हुई है। फ्रंट में सेंसर भी दिए हुए हैं, हालांकि फॉग लैंप्स नहीं मिलते। साइड में 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। इसकी ऊंचाई 1615 mm की है। इसका व्हील बेस 2720 mm का है। यह चार कलर ऑप्शन में मिलेगी, ब्लू, ग्रे, वाइट और रेड कलर ऑप्शन में। अंदर की तरफ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है। उसके साथ में 12.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। 5 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर मिलते हैं। पैनोरामिक सनरूफ, 6-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 4-way एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट का विकल्प मिलेगा। इसमें आपको 60.48 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। यह ARAI सर्टिफाइड है और 521 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। पावर की बात करें तो इसकी मोटर 201 BHP की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है और 310 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कंपनी का दावा है कि यह ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो बाकी बैटरियों से ज़्यादा सुरक्षित है। 0 से 80% चार्ज करने के लिए इसमें 50 मिनट तक का समय लगेगा। यह 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 7.3 सेकंड में हासिल कर सकती है। इसमें 2 ADAS सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर मिलते हैं। साथ में 7 एयरबैग दिए गए हैं, जिससे ये सेफ्टी प्रदान मिलती है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो आने वाले समय में इसका कीमत का खुलासा ज़रूर होगा। फिलहाल ये आपको इलेक्ट्रिक कार कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।